हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियलिटी 360 डिग्री पर। आज की ये वीडियो बहुचर्चित NH24 के बारे में है, पर साथ ही उसके आसपास मौजूद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले 10-15 सालों में NH24 में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है, जिसने एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के चेहरों पर मुस्कान दी है। और इसके बनने के बाद गाजियाबाद में रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी विकास देखने को मिला है और लगभग सभी जाने माने बिल्डर्स के NH24 पर प्रोजेक्ट आज के समय पर मौजूद हैं। टाउनशिप से अपार्टमेंट तक, अफोर्डेबल घरों से लग्जरी अपार्टमेंट तक, इस हाईवे पर सब तरह के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मौजूद हैं। इन द लास्ट डिकेड द प्लेस हैज आल्सो सीन गुड अप्रिसिएशन, दस प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्माइल। कौसाम्बी, वसुंधरा, इंद्रापुरम, सिद्धार्थ विहार और क्रॉसिंग रिपब्लिक ऐसे एरिया हैं जहां आज से 20 साल पहले डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं थी, पर समय के साथ लोगों ने महसूस किया कि जो लोग नोएडा में काम करते हैं या दिल्ली नोएडा के में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जगह सबसे अच्छी है व सबसे नजदीक है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए NH24 पर सिचुएटेड कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आई हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रोजेक्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कीमत के आधार पर, अमेनिटीज के आधार पर और साइजेस के आधार पर, और उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। महागुण ग्रुप का प्रोजेक्ट महागुण मोंटाज क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में सिचुएटेड है, जो कि NH24 से लगभग 700-800 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। 360 एकड़ की टाउनशिप क्रॉसिंग रिपब्लिक में बने इस प्रोजेक्ट में दो टावर हैं, जहां 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स हैं। प्रोजेक्ट में सभी अमेनिटीज भी मौजूद हैं एंड महागुण मोंटाज का स्टार्टिंग प्राइस 38 लाख है। इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की बात की जाए तो वो ये है कि ये वेल डेवलप्ड टाउनशिप में है, जहां सारी फैसिलिटीज जैसे कि बैंक्स, शॉपिंग एरियाज, हॉस्पिटल्स, सभी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है राइज ग्रुप का प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक होम्स। ये ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स के अंदर लोकेटेड है। ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है एंड ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से अपने स्ट्रक्चर की वजह से अलग है। एरोडायनामिक स्ट्रक्चर से बने इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यहाँ के अपार्टमेंट दोनों तरफ से ओपन अपार्टमेंट हैं एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड अपार्टमेंट्स हैं। एयर फ्लो बहुत ही इजीली होता है ऐसे अपार्टमेंट्स में। 5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 10 टावर हैं लगभग 960 यूनिट के साथ। यहाँ 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स हैं एंड 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स में प्राइवेट लिफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी अमेनिटीज रूफटॉप पर हैं। स्टार्टिंग प्राइस इज 46.80 लाख। तीसरा प्रोजेक्ट है एजिस ट्राइन टावर। 6.5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 6 टावर हैं लगभग 750 यूनिट के साथ। ये पोजेशन के नजदीक है और यहाँ 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट में 70% ओपन स्पेस है एंड यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज मिल रही हैं। एजिस ट्राइन टावर में 855 स्क्वायर फीट से लेकर 1475 स्क्वायर फीट के साइजेस के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग प्राइस 47 लाख। चौथा प्रोजेक्ट है प्रतीक ग्रैंड सिटी। ये भी एक रेडी टू मूव इन सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार के सामने की लोकेशन रहेगी। प्रतीक ग्रैंड सिटी एक 40 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जहां हॉस्पिटल, स्कूल, शॉपिंग एरिया एंड रेसिडेंशियल एरिया सब कुछ एक जगह है। प्रोजेक्ट में 2, 3, 4 BHK सभी तरह की यूनिट्स अवेलेबल हैं अलग अलग साइजेस में। 770 स्क्वायर फीट से लेकर यहां 1795 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं। प्रतीक ग्रैंड सिटी में क्लब हाउस, पार्क जैसे सभी अमेनिटीज भी मौजूद हैं। स्टार्टिंग प्राइस इज 59 लाख। ऑन नंबर 5 वी हैव ट्रूवे फ्रेग्रेंस। ये प्रोजेक्ट भी सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड है, प्रतीक ग्रैंड सिटी के नजदीक ही। अगेन अ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट।
4 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 7 टावर हैं लगभग 450 यूनिट के साथ। प्रोजेक्ट में 2 एंड 3 बीएचके अपार्टमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट में सारी बेसिक अमेनिटीज भी हैं। स्टार्टिंग प्राइस इज 59.69 लाख। एंड लास्टली वी हैव यूटोपिया बाय टीएनटी ग्रुप। ये प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 1.23 crore है। यूटोपिया 8 एकड़ में बना हुआ प्रोजेक्ट है जहां 5 टावर हैं 720 यूनिट के साथ। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि 2026 में डिलीवर किया जाएगा। प्रोजेक्ट में 3 एंड 4 बीएचके अपार्टमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट में लग्जरी सेगमेंट की अमेनिटीज हैं एंड यहां एक आउटडोर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट भी सेटअप है जो कि प्रोजेक्ट में पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रखेगा। इट इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट अर्बन थेरापोटिक हाउसिंग। So guys, these were few of the projects जो कि NH24 पर located हैं। अगर आपको ये video useful लगी है, then hit the like button and do not forget to subscribe our channel Reality 360 Degree.